शुरुआत होती हुई हमारे उनके साथ हमारे जिलाधिकारी श्री संजय कुमार जी और डिस्ट्रिक्ट जम्मू वाले कार्ड कमेटी के पास अखबार कार्ड जमा करवाए। डिस्ट्रिक्ट जम्मू और कार्ड कमेटी के पास प्लीज अखबार कार्ड जमा करवा दे आगे की कार्रवाई के लिए। सर इनके नाम जम्मू वर्सेज अनंतनाग ये कोड नंबर एक पे और कोड नंबर दो पे कुपवाड़ा वर्सेज पुंछ उसी के बाद ये जल्दी से जरूरी में वहां चली जाएंगी। आई डिक्लेयर दिस टूर्नामेंट ओपन। तो मंच पे मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स के हमारे ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हमारे ब्लॉक के ऑफिसर्स नसीर चांद जी और जहां जितने भी आए हुए हमारे सीनियर फिजिकल लेक्चरर्स फिजिकल टीचर्स और सारे के सारे हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे भाई हमारे बच्चे ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 120 जिलों के बच्चे एक साथ आज खड़े हैं तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हम सब एक हैं हमारे पूरा जेके यूटी एक है तो हम और बड़ी लगन से हम ये जो पूरी जेके यूटी का नाम अपने अपने जिले का तो नाम कमाना ही है आगे जाके लेकिन जेके यूटी का नाम देश में नहीं पूरे इंटरनेशनल के पता चले कि जेके यूटी से बच्चे कितने होनहार बच्चे हैं कितना दम है इनमें। आपने देखा होगा हमारे जेके यूटी के बच्चे आईएएस टॉपर भी रहे हैं क्रिकेट में भी राजीव ट्रॉफी में भी खेले हैं अंडर 19 में भी खेले हैं तो गर्व होता है कि जब हमारे जेके यूटी का कोई बच्चा हमारे जेके यूटी का नाम वो इंटरनेशनल तक लेके जाता है पूरे दुनिया में उसका नाम हो जाता है पूरे देश में उसका नाम हो जाता है तो हमें गर्व होता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का बच्चा जो हमारा नाम जो हमारा तिरंगा और हमारे जेके यूटी की शान वो पूरे दुनिया में लहरा रहा है। तो मैं बच्चों को यही कहूंगा आप छोटे बच्चे भी हैं छोटे भाई भी हैं इनमें तो सब सब एकजुट होके प्यार मोहब्बत से अपनी गेम्स की लगन से खेलें और उससे भी ज्यादा अपनी जो फिटनेस है फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए बंदा और मुझे दिख रहा है कि आप सब फिजिकली बिल्कुल फिट है तो पढ़ाई करनी है खेलों के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है पढ़ना भी दमखम से है अपनी बॉडी को भी तंदुरुस्त रखना है अच्छे तरीके से अच्छी डाइट लेनी है सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है और परिवार माँ बाप की सेवा करनी है और पूरे समाज